बैम्बू चिकन नाइट कैंप, बैम्बू चिकन नाइट कैंप में आपका नंबर थोड़ा बता दीजिए। 9437432604। मटन देखो तो मटन पूरा प्रिपेयर ही है जी, मटन रेडी। एटा डाली हो जी, देखो तो हमर मटन एटा पूरा रेडी डाली हो जी। एटा आलू कसा हो जी आ भात पूरा हिस लेनी। हम खंडगिरी में, खंडगिरी होते हुए खोर्धा होते हुए हम जाएंगे अभी दारिंगबाड़ी। तो हमारा वीडियो में बने रहिए, और मैं हमारे चैनल में आप लोग अगर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए। भाई माने हमारे भोजी हो जगह नयागढ़, नयागढ़ में दारिंगबाड़ी जाऊँ बाटर हमारे भोजी हो। आपण मैंने देख करते सब टेन्ट फेन्ट आम सब बांध दारिंगबाड़ी में। ये गोटे खाया प्रोग्राम आम हो, मटन हो सारा, मटन भी आपण मूँ पूरा देखे दूसरे एवं आलू कसा चलती, मटन में पड़ो काठ चूली प्लस भाई आम देखे, आम भाई है टुटु भाई। मटन देखो तो मटन पूरा प्रिपेयर हो, मटन रेडी। एटा डाली हो देखो तो आम मटन एटा पूरा रेडी डाली एवं होटा आलू कसा हो भात पूरा हिस, भात पूरा हिस गोटे मस्त गोटे एंजॉयमेंट। आमर आमर बुलू भाई पूरा आमर बुलू भाई है मेन लोक पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो कर सी कर इंट्रोड्यूस करदे आम। हाँ टुटु भाई, आम बुलू भाई सकाश आम संपर्क बहुत बढ़ला ना बुझल कि बुझल कि आम बुलू भाई देख हाय बुलू भाई पुओ बुलू भाई कर दियो बाय गोटे साइड रे गोटे गाड़ी लगे आम गोटे भोजी भात करछु पूरा मस्त लगुच पूरा एंजॉयमेंट लाइफ रे कौन अच्छी गोटे एंजॉयमेंट आम गोटे एटे देखो तो तंबू फंबू पूरा टाणी की पूरा गोटे लाइफ गोटे एंजॉयमेंट कर गीत फीत लग पूरा गोटे भाई आम डांस कर भल गीत लगे भाई खाया प्रोग्राम होमर भात मटन डाली बढ़िया खाया मस्त खाया जबरदस्त खाया आपण मैंने देख पारे मस्त गोटे एंजॉयमेंट होटी गोटे नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे मटन झोल जबरदस्त है मटन खिया चलती आउ बहुत गोटे खुशी लगुच एंजॉयमेंट फिर आज फिस्ट फिस्ट है फिस्ट फिस्ट है भंजनगर देकी कलिंग घाटी देकी दारिंगबाड़ी आम जाऊँ। हम अभी दारिंगबाड़ी में पहुँच गए, अभी टाइम हो गया कम लगभग 11:30 तो ऑलमोस्ट हो गया होगा। और हम अभी ये भाई को हमने यूट्यूब से बात हुआ था हमारा, और काफ़ी बहुत मतलब कम से कम 3-4 महीने पहले बात हुआ था। मैं भाई को बोला था ऐसा ऐसा मैं गुजरात में रहता हूँ और हम अभी कैंपिंग करने के लिए सब सामान वगैरह है, भाई का ये बंदे है
और यहाँ पे कैंपिंग वगैरह होता है। ये अभी मैं रात में तो इतना वीडियो नहीं आ रहा है, और ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फायर कैंपिंग भी होता है, फायर कैंपिंग। और ये मेरा टेंट है, ये एक्चुअली मेरा ये सब कुछ है, और भाई ने भी बंदोबस्त करके रखे थे। मैं उनको बोला था ऐसा ऐसा है मेरा, ये बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा, आप लोग बस मेरे को थोड़ा हेल्प कर लेंगे, क्योंकि ऐसे अंजंगे में रहना थोड़ा मुश्किल होता है रहना। तो इसके लिए भाई ने, भाई का जो बंदे है तो ये मेरा टेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये भाई का, आप लोग अगर कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये लोकेशन पे, मैं भाई का नंबर में डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा, और सुबह ये नज़ारा मैं आप लोग को दिखा दूँगा। भाई तो थोड़ा कुछ बताएंगे आप लोग को, कौन सा कैंपिंग है और सॉरी कौन सा लोकेशन है, ये डिटेल्स में बताएं। पाटांगी ये जगह का नाम है पाटांगी, ये दारिंगबाड़ी में, दारिंगबाड़ी से कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और 20 मिनट का राइड है। 20 मिनट का राइड है, स्मूथ रोड है बिल्कुल। और उसके बाद ये कैंपिंग का नाम क्या है? बैम्बू चिकन नाइट कैंप। बैम्बू चिकन नाइट कैंप। आपका नंबर थोड़ा बता दीजिए। 9437432604। अच्छा ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कीजिए, और कल सुबह ये मैं पूरा नज़ारा दिखा दूंगा आप लोग को, ये कैसा क्या है, ये डिटेल्स बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा वीडियो में कंटिन्यू वॉचिंग कीजिए आप लोग, और मैं आप लोग को दिखाए भाई लोग हमारा जो है, मेरे को एक्चुअली अभी क्या रात हो गया, इनको क्या बहुत सारा हैबिट है, तो ये मेरा कैंपिंग का जो कल मैंने परचेस किया था नाइट कैंपिंग का टेंट डी कैथलोन से, तो 3% टेंट है, देख सकते हैं आप लोग कैसा ये भाई सेटिंग कर रहे हैं मेरा। और मेरा बहुत ईजी वे में टेंट मेरा प्रिपेयर हो गया, यहाँ पे मैं आराम से रह सकता हूँ यार। ये मेरा भाई लोग भी इधर रहने वाले, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये लोग हैं, मेरा कुछ टेंशन नहीं। तो बहुत अच्छी तरह से इसको मैं बिंदास यूज़ कर सकता हूँ, खुले आसमान के नीचे इसका जो नज़ारा है बहुत, मतलब एक्सपीरियंस अलग ही है, और किसी को कुछ बता ही नहीं सकते। लाइफ में तो एक बार आप लोग भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। ठीक है, मैं सुबह आप लोग को ये नज़ारा दिखा दूँगा। चलिए दोस्तों, डीकैथलन कैंप के अंदर हम लोग पहुँच अंदर है, और आप लोग देख सकते हैं हमारा टेंट 2 मिनट में फिटिंग हो गया, और मेरा बेटी थोड़ा मस्ती कर रहा है। बेटी हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय। हम कहाँ पे? कहाँ पे? जंगल वो? जंगल। उसको बहुत अच्छा लग रहा है, टॉर्च मार रहा है चारों तरफ, और हम अभी खाना खा रहे हैं, और देख सकते हैं हमारा छोटा सा घर है, बहुत अच्छा लग रहा है पूरा। अभी टेम्परेचर आप लोगों को बता दूंगा, अभी यहाँ पे तो टावर नहीं आ रहा है, टेम्परेचर अभी मैं आप लोगों को सुबह बता दूंगा, कम से कम 10-12 डिग्री तो रहेगा, बहुत ठंडा है। और अभी हमारा खाने का भी बंदोबस्त है, हम खाना लेके आ गए थे, हम एक्चुअली बनाने वाले थे लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, तो इसके लिए हम बनाए नहीं। तो अभी खाना खाते हैं और सुबह आपको हम लोग दिखाएंगे तो कैंपिंग का कैसा नज़ारा है क्या है। ठीक है, अभी हमारा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और ये हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, दूसरा ब्लॉग हमारा कल से चालू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पापू, बोल दो। गुड नाइट ऑल फ्रेंड्स। गुड नाइट बोल दो पापू। अच्छा लग रहा है तेरे को? चलो।